दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना के बारे में बताएंगे। इसमें बताएंगे कि आपको मोबाइल के लिए आवेदन कैसे करना है, आपको मोबाइल कब तक मिल सकता है, ये आपको मोबाइल कौन सी कंपनी का होगा, इसके साथ ही आपको इसमें कितने GB डेटा मिलेगा, कौन सी कंपनी का फ़ोन होगा और इसका और जो भी डिटेल है वो आपको इस वीडियो में आज हम बताएंगे। तो आज आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे सामने एक भास्कर का न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि राजस्थान के जो 1.35 करोड़ महिलाएं हैं उनको फ्री स्मार्टफोन नवंबर या दिसंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एंसेंट या तो जियो, सैमसंग और नोकिया कंपनी होंगे। मतलब आपको जो स्मार्टफोन मिलेंगे वो सैमसंग, जियो और नोकिया कंपनी के होंगे। इसमें एक स्लॉट सरकारी सिम पहले से लगी होगी और दूसरा स्लॉट में आप कोई भी सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो सिम आपको वहाँ से दी जाएगी वही इसमें आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद इस जो हैंडसेट यानी इस फ़ोन की जो कीमत है वो 9000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। उसके बाद देखिए ये आपको स्मार्टफोन आपके जो यदि आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे। और यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको यही कैंप वार्ड जो आपका वार्ड है वहाँ पर लगाए जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चिरंजीवी योजना में नाम होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें देखिए आपको 3 साल फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ये देखिए आपको यहाँ पर 3 साल फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसमें आपको एयरटेल, BSNL या जियो कोई इन तीनों में से कोई भी आपको एक सिम प्रोवाइड की जाएगी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ सब। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं, मतलब आपके पास कागज़ कौन से होने चाहिए जिससे आप ये फ़ोन ले पाए। सबसे पहले आपके जो भी महिला मुखिया है उसका आपको जन आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ आपके पास आपका राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, आपके जो महिला मुखिया है उसका आधार कार्ड और चिरंजीवी योजना का जो कार्ड बनता है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपने इसको अप्लाई नहीं कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये योजना 3 साल तक चलेगी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो भी SSID होती है वो होनी चाहिए आपके पास। यदि ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इस मोबाइल योजना में आपको मोबाइल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या सुविधा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हर महीने आपको यहाँ पर 20 GB डेटा मिलेगा, मतलब आपको पर महीने 20 GB डेटा मिलेगा। 3 साल तक के लिए फ्री कॉलिंग मिलेगी। 3 साल तक में आपको 20 GB डेटा हर महीने मिलता रहेगा और 3 साल और फ्री कॉलिंग मिलेगी, ठीक है। एक सिम कार्ड मिलेगा जिसमें देखिए आपको सब लिखा हुआ है। रोज़ 50 SMS की सुविधा भी साथ में मिलेगी। स्मार्टफोन में जो आपको बॉक्स मिलेगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। एक चार्जर होगा, एक USB डेटा केबल होगी और एक फ़ोन के जो पीछे प्लास्टिक बैक कवर होगा वो सब आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जिसका भी जन आधार कार्ड है उनको ये मोबाइल दिए जाएंगे। जन आधार कार्ड धारक परिवार की जो महिला मुखिया है उसको ये फ़ोन दिया जाएगा जिनकी संख्या अभी राजस्थान फिलहाल 1.35 करोड़ है। ध्यान रहे वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और जिन परिवार का नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है केवल उन्हीं परिवार के मुखिया को ये फ़ोन दिया जाएगा। यदि आपका चिरंजीवी योजना में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। और आपके आधार कार्ड से आपको मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ख़ास तौर पर। अब बात कर लेते हैं कि आपको मोबाइल कब तक मिल जाएगा। तो ये इसका कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहा कि नवंबर या दिसंबर के अंत तक इसकी मिलने की शुरुआत हो जाएगी। अब आपके एरिया में मोबाइल कब तक मिलते हैं उसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये हर इलाके में वहाँ के जो पंचायत है उनके हिसाब से दिया जाएगा। सरकार ने पहले खेप भेज दी है जो 15 नवंबर के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप जब भी स्मार्टफोन लेने जाए तो ध्यान रखें आपके जो परिवार की महिला मुखिया है वो साथ में हो क्योंकि उसी का वहाँ पर पूरा डेटा वेरीफाई किया जाएगा और बाद में उसी को मोबाइल लिया जाएगा। और जो एक आपके फ़ोन में सिम दी जाएगी वो भी उसी के नाम पर होगी। तो महिला मुखिया को साथ ले जाना अनिवार्य है, उसका जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आपको अपने साथ रखना ज़रूरी है। ये देखिए ये सारे दस्तावेज आप अपने साथ रखिएगा वरना मोबाइल लेने में आपको समस्या हो सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।